हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज है 24 जून और 24 जून से जितने भी इम्पोर्टेंट पूरे दिन की हिमाचल प्रदेश की इम्पोर्टेंट अपडेट्स प्लस करंट अफेयर बनता है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने 10 इम्पोर्टेंट अपडेट्स को जो है वो ऐड किया है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप घर बैठे हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जो क्योंकि अभी जो है कोचिंग सेंटर वगैरह ओपन नहीं हो रहे हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट मॉक टेस्ट को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, तो वहां से जाकर आप यहां पर देख सकते हैं, लिस्ट पूरी ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करते वक्त आपको जीके स्टडी 40 का कूपन कोड यूज करना है, जिससे आपको डायरेक्टली 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब 168 के अराउंड आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, एमसीक्यूज फॉर्मेट में होंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड है जाकर ज्वाइन कर सकता है, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जो है वो जुड़ सकते हो। तो बात करते हैं सबसे पहले अपडेट की। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो दो राज्यों ने बहुत ज्यादा हिमाचल प्रदेश की चिंता बढ़ा दी है। आप सभी को पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश में इतने खुद के केसेस नहीं है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के लोगों में इतना कोविड-19 का प्रसार नहीं हुआ है जितने लोग जो है वो बाहर से आए हैं। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के कोरोना ग्राफ की, तो अकेले मुंबई और दिल्ली ने ही जो है वो हिमाचल प्रदेश का कोरोना ग्राफ को जो है वो 63% बढ़ाया है। और अगर मामलों की बात करें तो 80% मामले जो हैं आपके उनमें से सिर्फ दिल्ली और महाराष्ट्र से ही है। ठीक है, तो ये दो आपके राज्य ऐसे हैं जिनकी वजह से हिमाचल प्रदेश में कोरोना केसेस जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और अगर बात करें ऑफिशियल रिपोर्ट की हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो अभी तक जो एक्टिव केसेस हैं वो आपके 308 हो चुके हैं। मुझे अभी भी याद है, मैंने एक बार पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक एक्टिव केस जो है हिमाचल प्रदेश में रह गया है और बहुत जल्दी जो है हिमाचल प्रदेश कोरोना मुक्त हो जाएगा। बट ये एक कब 300 के पार पहुंच गया इसका कोई पता नहीं लगा। और अब एक्टिव केसेस अगर हिमाचल प्रदेश में बात करें तो 308 हो चुके हैं। माइग्रेटेड आउट की बात करें तो 11 है, रिकवर्ड 429 लोग जो है ठीक हो चुके हैं, डेथ जो है वो 6 की हो चुकी है। 756% टोटल जो है वो आपके कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। दो केसेस आज चंबा में नए आए हैं, ठीक है, जिनके बारे में मैंने आपको यही बता दिया, कोई अलग से उनके बारे में बात नहीं करेंगे। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने कितने एक्टिव केसेस हो चुके हैं। तो बिलासपुर में 14 है, चंबा में 10 है, हमीरपुर में 89 केसेस जो है वो हो चुके हैं, सबसे ज्यादा हमीरपुर में है। कांगड़ा में 78 है, किन्नौर में 2 है, कुल्लू में 2 है, लाहौल स्पीति एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें अभी तक कोई केस नहीं आया है और आना भी नहीं चाहिए। मंडी में 2 है आपके एक्टिव केसेस, शिमला में 17 है, सिरमौर में 10 है, सोलन में 47 है, ऊना में 37 है। टोटल 308 आपके एक्टिव केसेस हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में अभी तक, ये मतलब 23 जून की मिड की जो है वो आपकी रिपोर्ट है, बाकी दूसरी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो ऑरिसन फार्मा के बारे में आप सभी ने सुना होगा न्यूज में, ठीक है, तो उस कंपनी पर जो है वो FIR दर्ज की गई है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था कि ये जो है वो कोरोना का केंद्र बना है, क्योंकि इसमें इस कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे उससे यमुनानगर आपका नयनगढ़ हो गया, सडोरा हो गया, जगाधरी हो गया, अम्बाला हो गया, वहां और साथ साथ हिमाचल हो गया, वहां पर भी जो है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। ठीक है, तो इसके चलते जो है वो इनको टाइम से मतलब एक्शन नहीं लेने के चक्कर में ऑरिसन फार्मा पर जो है वो केस दर्ज किया गया है। बात अगर अगले अपडेट की करें तो HRTC को जो है वो बहुत करोड़ों की चपत लगी है। ठीक है, पहले क्या होता था कि प्रतिदिन जो HRTC की कमाई होती थी वो 2.5 करोड़ के करीब होती थी, बट अब जो सिर्फ है वो 30 और 32 लाख के करीब हो रही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पहले 2.5 करोड़ की आपकी जो है वो कमाई होना और एकदम से गिरकर जो है वो 30-32 लाख पर आना, तो किस तरह से जो है वो उस चीज को मैनेज किया जा रहा होगा। और इस सभी का रीजन एक ही है, कोविड-19, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बसों में अब जो है वो 60% सवारियां ही बैठती है। ठीक है, उसके अलावा जो है सभी रूटों पर बसेज नहीं चलती है, लोग अभी भी जो है वो बसों में बैठने से थोड़ा बहुत जो है वो घबराते हैं और हर रूट पे सवारियां नहीं मिलती है। मतलब वैसी सिचुएशन नहीं है जो पहले होती थी, और अभी ऐसी दोबारा से सिचुएशन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कि सब कुछ जो है वो दोबारा से नॉर्मल हो। ठीक है, तो ऐसे में HRTC को बहुत बड़े जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है नुकसान। ठीक है, HRTC की क्या बात करें कि पूरे हिमाचल को या पूरे देश में जितने भी राज्य हैं सभी को कोई ना कोई नुकसान जरूर हो रहा है। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो हिमाचल कैबिनेट जो है वो बहुत जल्दी पेपरलेस होने वाली है। ठीक है, तो पूरी न्यूज क्या है इसके बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूं। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार कैबिनेट बैठकों को कंप्यूटरकृत करने तथा पेपरलेस बनाने के लिए ई कैबिनेट सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने का प्रयास जो है वो कर रही है। तो ई कैबिनेट सॉफ्टवेयर का जो है वो प्रयास किया जाएगा और हिमाचल कैबिनेट को जो है पेपरलेस पूरी तरह से बनाया जाएगा। बात करें अगर GI टैग की, तो कुलत हिमाचल प्रदेश की, राजमहा, चुक, थांगी व धातु शिल्प जो है भौगोलिक संकेतक के रूप में जो है वो पंजीकृत किए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि हिमाचल प्रदेश में कुलत होगी, राजमा होगी, चुक हो गया, थांगी हो गया और धातु शिल्प हो गया, उसको भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग के लिए जो है वो पंजीकृत किया जाएगा। बाकी इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा डिटेल कि कहां कहां से ये बिलोंग करती है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे यहां पर लिखा भी गया है कि जैसे कि करसोग की कुलत जो है वो करसोग की है,
ठांगी जो है वो पांगी की है, चंबा के धातु शिल्प, चंबा की चुक और भ्रमो की राजमा को भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, किए जाएंगे, मतलब जब ये हो जाएगी तो उसके बाद ही जो है ये आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, तो ये चीज याद रखिएगा। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा जो है वो डिसीजन लिया है कि अब हिमाचल प्रदेश में भी जो दिवंगत कर्मी होते हैं उनके परिजनों को भी जो है वो पेंशन दी जाएगी। तो पहले ऐसा कोई भी पारिवारिक पेंशन का प्रावधान नहीं था, बट अब जो है वो अभी लागू नहीं हुआ है, ठीक है, बट बहुत जल्दी जो है वो इसको लागू किया जाएगा। तो केंद्र सरकार की अधिसूचना जो है वो 5 मई 2009 के आधार पर दिव्यांग एवं दिवंगत हुए कर्मचारियों के परिवारों को पारिवारिक पेंशन का प्रावधान को हिमाचल प्रदेश में लागू करने का जो है मुख्यमंत्री ने प्रधान वित्त सचिव को पत्र जारी कर दिया है। ठीक है, तो अब जितनी जल्दी जो बाद में जो है इसके ऊपर एक्शन दिया जाएगा तो उसके बाद ही जो है इसके ऊपर जो भी डिसीजन आएगा वो आपसे शेयर किया जाएगा। और हो सकता है अगर ये मतलब डिसीजन लागू हो जाए तो 80,000 कर्मियों को जो है वो इससे लाभ मिल सकता है। ठीक है, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो आशा वर्कर्स, आप सभी को पता ही है कि इन्होंने पहले एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान भी चलाया था, घर घर जाकर जो है ये चेकअप करती थी, और जो अभी क्वारंटाइन में होते हैं, होम क्वारंटाइन होते हैं, उनका भी जो बायोडाटा वगैरह रखती है वो आशा वर्कर्स रखती है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार ने उनसे रिलेटेड एक फैसला लिया है कि जून जुलाई माह के 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि जो है वो आशा वर्कर्स को दी जाएगी, और दी भी जानी चाहिए, क्योंकि कोई अगर अच्छा काम करता है और उसको कोई प्रोत्साहित करता है तो बदले में क्या होता है कि काम करने की इच्छा जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है जिसमें आपकी देवभूमि जो हिमाचल प्रदेश है, मतलब हम सबकी जो देवभूमि हिमाचल प्रदेश है, अगर कोरोना मरीजों के मामले में बात करें तो वो 27वें नंबर पर है। ठीक है, और अगर बात करें रिकवरी रेट के मामले में तो देश भर में जो है वो 9वें नंबर पर है। ठीक है, बाकी ज्यादा डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बट मैंने आपको मेन मेन चीजें बता दी है कि अगर कोरोना मरीजों के मामलों की बात करें तो 27वें नंबर पर, रिकवरी रेट की बात करें तो 9वें पायदान पर। ठीक है, और 9वें पायदान पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ट्रेसिंग और ट्रैकिंग जो है वो सही ढंग से की जा रही है, ये कहना है आरडी धीमान जो अतिरिक्त सचिव है। अगले अपडेट की बात करते हैं। तो प्रदेश में जल्द ही हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन का जो है वो निर्माण किया जाएगा। अब ये हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन होता क्या है, ठीक है, देखिए अस्पताल में जो भी दवाइयां होती है और उपकरण होते हैं, यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको खरीदने का काम जो है वो हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन करेगी, और बाकी जो पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो सिर्फ इस चीज पर ध्यान देगा कि किस तरह से मरीजों को ठीक किया जाए। ठीक है, यानी कि पूरा फोकस जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज की तरफ रहेगा, बाकी जो भी आपकी दवाइयां वगैरह होती है, जो भी अदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सब कुछ जो है वो हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन करेगा। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य विभाग को खरीद से टोटल ही छुटकारा मिल जाएगा और वो इस चीज से जो है वो पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, उनका पूरा ध्यान जो है वो पेशेंट की तरफ रहेगा। ठीक है, बात करें अगले अपडेट के बारे में। तो विकास खंड धर्मशाला मनरेगा में 2018-19 तक के सभी कार्य पूर्ण करने वाला पूरे उत्तर भारत में एकमात्र ब्लॉक बन गया है। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा विकास खंड जो है वो 2018-19 में सभी कार्य पूर्ण करने वाला उत्तर भारत का, क्योंकि उत्तर भारत का बना है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एकमात्र ब्लॉक बना है। ठीक है, वो बना है आपका धर्मशाला। बाकी आप पूरी डिटेल जो है यहां पर पढ़ लीजिएगा, पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं वैसे, अगर अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बट मेन चीज जो है मैंने आपको बता दी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आप कुछ भी आपको वीडियो से रिलेटेड कहना है तो आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर सकते हो, एक शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।